हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 6 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी टू इम्प्लीमेंट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, विच एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर PM पॉल्यूशन बाय 20% टू 30% इन एट लीस्ट 102 सिटीज बाय 2024। The committee will be chaired by the Secretary, Union Environment Ministry. It would be headquartered in New Delhi. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक कम से कम 102 शहरों में 20 से 30% से कणिका तत्व यानी कि PM लेवल को कम करना, प्रदूषण को कम करना है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। तो एकिहितो बिकम द फर्स्ट जापानीज एम्परर टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन मोर देन 200 ईयर्स। हिज सन क्राउन प्रिंस नारुहितो विल असेंड द क्रिस्टोथेमियम थ्रोन टूडे बिगिनिंग ए न्यू एरा। 30 अप्रैल वॉज द लास्ट डे ऑफ द हेसी इंपेरियल एरा। अकिहितो 200 से अधिक वर्षों में सिंहासन से उतरने वाले पहले जापानी सम्राट बने। उनके बेटे क्राउन प्रिंस नारुहितो आज के युग की शुरुआत करते हुए गुलदाउदी सिंहासन पर चढ़ेंगे। 30 अप्रैल हेसी साम्राज्य के युग का अंतिम दिन था। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज, व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचार की। इराक हैज बिकम इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, बेटिंग मोर देन 1/5 ऑफ द कंट्रीज ऑयल नीड्स इन द 2018-19 फिस्काल ईयर। अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्टेड बाय द डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिक्स, इराक सोल्ड 46.61 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 2018 एंड मार्च 2019। वर्ष 2018-19 के वित्तीय वर्ष में देश के तेल के 1/3 से अधिक की जरूरतों को पूरा करते हुए इराक लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के दौरान इराक ने भारत को 46.61 मिलियन टन कच्चा तेल बेचा है। नेक्स्ट, फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्रोवाइडर UDS हैज एक्वायर्ड ए मेजोरिटी स्टेक इन मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज, विच ऑपरेट्स इन द बिजनेस एश्योरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सेगमेंट। दिस एक्विजिशन इंक्लूड्स बाइंग आउट द एंटायर 19.77% स्टैक ऑफ कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट एंड 2.67% ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉन्टेक एंड द बैलेंस 52.56% फ्रॉम द अदर शेयर होल्डर्स, मेनली फ्रॉम ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर्स। सुविधाएं प्रबंधन प्रदाता UDS ने मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो व्यापार आश्वासन और पृष्ठभूमि सत्यापन खंड में काम करती है। इस अधिग्रहण में कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट की पूरी 19.77% हिस्सेदारी और महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉन्टैक्ट की 2.67% और शेष सभी शेयरधारकों से 52.56% की हिस्सेदारी, मुख्य रूप से सभी गैर कार्यकारी शेयरधारकों से खरीदना शामिल है। नेक्स्ट, मार्केट रेगुलेटर SEBI डायरेक्टेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू पे मोर देन 625 करोड़ रुपीज इन द केस ऑफ मिस यूज ऑफ इट्स को लोकेशन फैसिलिटी। SEBI हैज बीन प्रोबिंग एलिड लैप्सेस इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ऑफ फंड थ्रू NSE को लोकेशन फैसिलिटी। बाजार नियामक SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपनी सह स्थान सुविधा
दुरुपयोग के मामले में 625 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सेबी एनएसई की सह स्थान सुविधा के माध्यम से पेश की जाने वाली उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग में कथित चूक की जांच करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर दिलीप कुमार वाज अपॉइंटेड एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी इन द ऑफिस ऑफ लोकपाल। कुमार ए 1995 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर इज एट प्रेजेंट जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months ऑन एडिशनल चार्ज बेसिस और टिल ए न्यू इनकम्बेंट जॉइंट्स द पोस्ट। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिलीप कुमार को लोकपाल के कार्यालय में विशेष ड्यूटी के अधिकारी ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब कैडर के 1995 बेंच के आईएएस अधिकारी कुमार वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव हैं। उन्हें अतिरिक्त प्रभार के आधार पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है या जब तक कोई नया अधिकारी पद प्राप्त नहीं करता है तब तक उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की, तो इंडिया जी सत्यान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक इन टू द टॉप 25 ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग इन टेबल टेनिस। सत्यान रोज फॉर स्पोर्ट टू बी 24th इन द लेटेस्ट ITTF रैंकिंग फॉलोइंग द इम्प्रेसिव 6th प्लेस फिनिश इन द एशिया कप इन योकोहामा। भारत के जी सात्यान टेबल टेनिस में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। योकोहामा में एशिया कप में अपने प्रभावशाली 6th स्थान के बाद सत्यान नवीनतम ITTF रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गए। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, रेमन स्टर्लिंग हैज बीन नेम्ड द 2019 फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाई द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन FWA। द मैनचेस्टर सिटी एंड इंग्लैंड फॉरवर्ड टॉप्ड द पोल ऑफ द 400 स्ट्रॉन्ग FWA मेंबरशिप एज ए क्लियर विनर विद 62% ऑफ द वोट्स। फुटबॉल राइट्स टर्स एसोसिएशन द्वारा रैम स्टर्लिंग को 2019 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का नामित किया गया है। मैनचेस्टर सिटी और इंग्लैंड के फॉरवर्ड स्पष्ट विजेता के रूप में 400 मजबूत FWA सदस्यता के चुनाव में 62% मतों के साथ शीर्ष पर पहुंच गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल, साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।